तो शेल्टर के सबसे कठिन दिनों में से ये चल रहे हैं अभी हमारे दिन ना, क्योंकि पहले पानी भरता नहीं था, अचानक से पता नहीं क्या बाहर नाले में कुछ या तो सफाई नहीं हुई है या क्या हुआ है, वो सारा पानी इधर आने लगा है। हमने भराव के लिए भी तैयारी कर दी थी, पर बीच में फिर से आज बारिश हो गई है और बच्चे सब इतनी बुरी स्थिति में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि और कोई हम पे इतना शेड है नहीं। ये पूरा शेड जो है नीचे को सारा धस गया है, ये यहाँ भी कराया था। ओह, बहुत बुरी स्थिति है। तो इस साइड तो भराव हमने कर दिया था, लेकिन यहाँ भी पानी बहुत ज़्यादा आ गया। इधर दो कूलर थे हमारे, वो भी पानी ज़्यादा आने के कारण गिर गए थे, तो फूक गए हैं वो वाले भी। तो पानी उतरने के लिए हमने वैसे छोटी सी एक मोटर तो लगा रखी है उधर, जो पानी साफ़ हो रहा है, लेकिन पूरा शेल्टर जो है ना इस टाइम बहुत बुरी हालत में है, और बच्चे उधर ज़्यादा बुरी स्थिति में है, क्योंकि शेल्टर का एरिया सारा कवर्ड वाला ये वाला था हमारा एरिया, और अब यही सारा हो गया। पानी बहुत ज़्यादा है इधर, क्योंकि रोड साइड यहीं पे ही वो है नाला बड़ा ना, तो उधर से सब रुक रुका पड़ा है पानी, और हमारे यहाँ के पहले पानी नहीं आता था, कि पहले कुछ ऐसे इंतजाम की जरूरत नहीं थी। और बच्चे ऐसी स्थिति में रहने को मजबूर हैं, वो गीले में भी ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है, और थोड़ा इधर सारा भराव कराना, कम से कम 2 फुट का भराव होगा जब जाके ये लेवल कवर हो पाएगा। सही, बच्चे अभी बाहर गीले में रहने को मजबूर हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये मेन एरिया है जो अभी तक गीला नहीं होता, ये तो काफ़ी ऊंचा है, तो इधर जितने भी क्रिटिकल केसेस हैं ना वो सभी अंदर हैं। अराउंड हमारे पास अभी 54 पैरालाइज केसेस हैं, तो इन्हीं के लिए जितनी कोशिश हो पा रही है कर रहे हैं, ये सब अंदर जितने भी हैं ना, सब इनका कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है, किसी को बाउंस है तो उनको गीले में ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा, तो सभी अंदर कर रखे हैं ये।